केन्द्र आदिवासी व्यापार मंत्री कौन कहते हैं आसतु सुनवा। तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से जिसे कहा जाए जलन होती है, एक तरीके से पछता नहीं है और ये डिहाइड्रेशन का परिणाम है। ये किसी न किसी रूप में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को जिससे कि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में है वो दिखाते हैं। और ये बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में, देश के आदिवासियों में और राज्य के, पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही है। इसे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक संथाल समाज की महिला जो आज ऐसे पद को सुशोभित करते हुए दुनिया का नेतृत्व कर रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के ऐसे जो जनजातीय समाज कहा जाए या इंडिजिनस कहा जाए, आदिवासी कहा जाए, ऐसे लोग आ करके लगातार सराहना कर रहे हैं कि भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरीके से सुरक्षित रखा है।